अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज क्या करते हैं जी, व्लॉग शुरू। आज मैं 2 बजे व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। इतनी कड़क धूप है कि क्या ही बताएं, मुझे ठहरा नहीं जा रहा। तो अभी आज जुम्मा है, तो जुम्मा साहब को जुम्मा मुबारक मैंने तैयारी की हुई है। तो अभी चल रहे हैं जुम्मे नमाज़ पर, तो अभी चलते हैं जुम्मा नमाज़ पढ़ने। तो अफजल भाई को भी बुलाना, वो घर हैं, वो क्या बोलते हैं, सोए हुए हैं, उठे हुए हैं, क्या बोलते हैं जी। अफजल भाई अभी तैयारी कर रहे थे, जुम्मे नमाज को लेट हो रही है, तो मैं अभी चल रहा हूँ जुम्मे नमाज पर, वो खुद आ जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं जुम्मा नमाज पढ़ने। मस्जिद में पहुंच गए दादाजी दसर भाई जी। अच्छा जी, खैरियत से नमाज जुम्मा पढ़ लिया है। तो अभी कारी साहब से पूछना ये है कि अगर कोई बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए हो, 2 साल का जायज़ हो सकता है कुर्बानी के लिए, तो वही अभी पूछता है, फिर आपको तफसील से मैं बताऊंगा क्या है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा नमाज पढ़ के मैं वापस आ चुका हूँ। तो कारी साहब से भी पूछा है, उन्होंने बोला है गाय का बच्चा या बैल, अगर गाय हो तो गाय और बच्चा 2 साल का हो और उसके दांत ना गिरे हों तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ है। वो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि 2 साल का मुकम्मल हो। तो हमारी जो है ना गाबू, आज कितनी 3 तारीख है, 6 तारीख को वो मुकम्मल 2 साल की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से 1 महीना ऊपर हो जाएगा ईद तक उसको, तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ है। तो अभी उसे कुर्बानी के लिए हम रख रहे हैं। तो मैं आ गया आपको भेड़ और बकरी का, जैसे मुझे कार साहब ने बताया जिस जिस चीज़ का, मैं वो आपको बताता चलूँ। बकरी 1 साल की और भेड़ 6 माह की, उनके दांत ना भी गिरे हों, बस आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि ये इतना बकरी साल की हो, पूरी हो मुकम्मल, और भेड़ भी 6 महीने को मुकम्मल हो, तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि ये साल की बकरी और भेड़ 6 माह की, तो गाय का बछड़ा गाय या बैल ये हों 2 साल के, तो ये कुर्बानी के लिए जायज़ है। तो अभी मेरी ड्यूटी लगी हुई है गाय को छेड़ने की, तो ये अभी घास खा रही है। और हमें ये चीज़ कन्फर्म है कि वो 2 साल की मुकम्मल है, क्योंकि वो हमारी गाय की बच्चा है ना, वो जब से पैदा हुई है हमारे पास या हमने उसे रखा हुआ है, तो हमें पूरा पता है पड़ा कि ये 2 साल की मुकम्मल है जी। अभी मैं गाय को चरा रहा था कि मेरे कज़न आ गए हैं, तो मुझे गाय को ना घर बांधना पड़ा है। तो अभी आए हुए हैं कज़न, तो आपको चल कर मिलाता हूँ मैं उनसे। गेम आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये हैं सुल्तान भाई, राजू अंसर भाई। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? आप भी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आओ टिकटॉक देखे, सारे टिकटॉक देख रहे हो? मैंने कहा गेम खेल रहे हो। लाख बताया है, बोला तो है लाख, आपको पता है कि नहीं? अरे खोल लेते हैं जी। अच्छा जी, आज इन्होंने मेरी वीडियो देखी, इन्होंने बोला दोबारा आप ये बोतल खोले, तो भाई आप खोल दो। इधर इधर इधर, ये कितनी बार खोली है? ओए अब तेरे ऊपर दूसरी बोतल का जुर्माना। नहीं नहीं, ये बात नहीं हुई थी। क्यों हुई थी? बात यार हुई थी, पहले हुई थी ये यार, ये नकल बोतल है सब बात। इसकी सील टाइट थी, अब झूठ बोल रहे हैं यार। इसकी सील टाइट थी वैसे। हाँ जी, अभी हम सब खेल रहे हैं गेम, लगा हुआ है कस्टम के, मेरे सुल्तान भाई उधर, अंसर भाई हैं, तो मैं जा रहा हूँ यार। अभी हम लगाया हुआ है हमने कस्टम। अच्छा जी, हम जीत चुके हैं, ये सुल्तान भाई और अफजल भाई हार चुके हैं। अच्छा जी, कजन अभी गेम खेल लिया इन लोगों ने, अब जा रहे हो? क्या जी, आप जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। अच्छा, दे सामान दे प्लीज, जाए वो लेट हो गया। ये आपके लिए अंगूर है, ये मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, कल कजन चले गए थे, तो सुबह मैंने व्लॉग नहीं बनाया यार, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ यार। अभी मैं चल रहा हूँ चौक पे, क्या कर रहे हैं यार, दूसरा दिन है घर में, भिंडी पकी, भिंडी खा खा कर रहा हूँ, मुँह ऐसे अब लेस चिपक रहा है। तो अभी चलते हैं कुछ समोसे पकौड़े खाते हैं यार, क्या भिंडी भिंडी लगा हुआ है घर में। तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं,
ये वतन टेस्टी चरगा ब्रोस पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है बर्गर का, ये स्टॉल है, ये समोसे बन रहे हैं, ये पीस भी रखे हुए हैं, पकौड़े समोसे चिप्स वगैरह सब कुछ। तो अभी हम एक ये वाला पीस लगवा रहे हैं, तो देखते हैं। और कोई जूस भी है, कौन सा जूस है? बाल से वाला जूस बनाते हैं। अच्छा, वो भी है हमारे पास। वो तो पता है, बड़ा मैंने बताया, जैसे जूस फाल से वाला है और वो बादाम वाला है। फाल से वाला है, बड़ा अभी बादाम वाला बनाएंगे बाबू। अच्छा फाल से वाला एक, वो भी जूस लेंगे। अच्छा जी, ये जरगा तो हमारा आ गया, पीस बन कर रेडी हो गया। ये देख रहे हैं, कोई टेबल वगैरह नहीं लगी हुई, मैं बैठा हूँ, पंखा चल रहा है बाहर, पंखा चल रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, फुल्ली कर रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा केचप में डबो करना। बेहतरीन पका हुआ है भाई ऊपर से। ये ऊपर चटनी भी रखी है। यार मज़ा का बना हुआ है, फुल स्पाइसी बना हुआ है। ये देखिए मसाला अंदर तक रखा हुआ है, देख रहे हैं यार, कब मजे का बना हुआ है आज। सुनील भाई का भी एक खा गया जी, जरगा तो खा जाए। तो अभी लगवा रहे हैं घर के लिए एक ये बर्गर कीड़े वाला। बर्गर भी अभी रेडी बस हो गया। ना छोटे छोटे काम गुड हो गए। अरे जी बर्गर भी पार्सल करा लिया, तो चलते हैं घर। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा बिल आ चुका है। ये देखें तो कितना बिल आया हुआ है, मैंने तो देख लिया, तो चल कर आपको भी दिखाता हूँ। घर अभी धूप है। अच्छा जी, बर्गर लेकर मैं आ गया हूँ। पेट में चूहे कूद रहे हैं? चूहे नहीं कूद रहे, भूख नहीं लगी? भूख लगी है। अच्छा, मैं आपके लिए चीज लेकर आया हूँ, दिखाऊँ? खाओगी? खोलो इसे, खोलो। अपनी रानी के लिए बर्गर लेकर आया था, अंडे वाला। यह बंडा ऊपर से उतार कर खा जाना, सारा खाना है, ठीक है? ये खाओ खाओ, ये फिर खुद खा लो। मैं भी एक मैं उठाता हूँ फिर, और नूर को भी दे आना, ठीक है? हाँ। जल्दी से खा लो। नहीं, ये उतार दो, तुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। बड़ा 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 करो। अच्छा जी, ये है हमारा बिल, 1670 रुपये। तो ये भी भरना है, एक दो दिन में टाइम है, अभी भरेंगे फिर। अच्छा जी, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं पर एंड। तो नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।